राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम इस पोशाक का प्यारा सा टोपी बनाएंगे दो कलर मिक्स करते हुए। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। इसके लिए हम सबसे पहले 5 चेन बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5। अब पहला चेन पे ले जाकर इसे जोड़ेंगे। अब हम चेन की संख्या बनाएंगे 13। अगर आपको बड़े कान्हा जी का टोपी बनाना है तो आप चेन की संख्या और बढ़ा सकती हैं। ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का टोपी बन रहा है, और छोटा बनाना है तो आप चेन की संख्या घटा सकती हैं। तो इस तरह से आप बड़ा या छोटा भी यहाँ पे बना सकती हैं। अब हमें करना क्या है, एक चेन पे, इस चेन पे हुक को डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से अगली चेन पे हुक को डालेंगे, 2 का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 बार हो चुका है, ये 3 तीसरा बार, ये 4, ये 5, 6 बार हम यहाँ पे बनाए हैं, और बनाएंगे 7। अब 1, 2, 3 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 6 चेन भी बना सकती हैं, यानी 6 जो हम 7 बनाएं वो आप 6 भी ले सकती हैं। अब देखिए फिर से 3 चेन बनाएं और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम इसे उसी तरह से बनाते हुए 2 का 1 करते हुए लास्ट तक जाएंगे। देखिए इस तरीके से, इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। जो हम पोशाक में डिजाइन डाले हुए हैं उसी डिजाइन को हम यहाँ पे टोपी में भी डाल रहे हैं, बस अंतर इतना है कि इसे हम 2 कलर से बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारा 1 छूट गया चेन, तो 6 चेन पे हम आ गए हैं। तो आप स्टार्टिंग में जो 1 चेन छूट गया जिसके चलते, अब यहाँ हम फिर से 5 चेन बना लिए। अब 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें हुक को डालना है। ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो यहाँ पे शुरू में जब हम बना रहे थे 1 छूट गया था जिस कारण 6 पे हम आ गए, तो 6 भी इसके लिए परफेक्ट रहेगा 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का टोपी बनाने के लिए। अब देखिए, अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, जोड़ लेने के बाद में फिर से इसे पलटेंगे, और पलटकर हम फिर से इसी चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। यानी इसे अभी हमें रिपीट करते चले जाना है। फिर से यहाँ पे 5 चेन लेंगे, यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। यहाँ से हम देखिए, अब ये आप जो देख रहे हैं ये अभी हमारा हुआ 1 और 1 2, 2 की गिनती लेंगे। इसे हम 8 संख्या में 8 बना लेंगे। इस तरह से देखिए संख्या में यहाँ पे हम 8 बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। आप चाहें तो इस ऊन को कट भी कर सकती हैं। हम रेड कलर यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि 2 कलर से ये काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे। इसे टाइट करेंगे इस ऊन को, बाद में हम वहाँ पे नोट लगा के कटिंग कर लेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद फिर से हम इसी चीज़ को बनाना शुरू करेंगे। यानी ये अभी हम 8 बार बनाए हुए हैं, और अभी हम इस पर 3 बार रेड कलर से बनाएंगे।
अगर आप बड़े कान्हा जी का बना रही हैं, चौड़ाई आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उस अनुसार इसकी संख्या बढ़ा सकती हैं, छोटे कान्हा जी का बना रहे हैं तो संख्या घटा सकती हैं। तो इस तरह से हम रेड कलर से भी तीन बार बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तरीका बनाने का सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कलर हमारा चेंज हुआ है। संख्या यहाँ पाँच है तो पाँच ही चेन की संख्या रखेंगे। इस तरह से इस कलर को भी हम तीन लाइन में बनाकर चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे हम दोनों को मिलाते हुए क्रोशिए की सहायता से ही जोड़ लेंगे। अगर आप चाहेंगी सुई धागा की सहायता से तो सुई धागा की सहायता से जोड़ सकती हैं। बहुत ही प्यारा ये टोपी लगता है बन जाने के बाद में। अब देखिए कंप्लीट हो जाने के बाद में दोनों को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले येलो कलर का जो ऊन है इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे दोनों को मिलाते हुए किस ढंग से जोड़ेंगे। ये सीधा तरफ हो गया तो हम जब जोड़ेंगे तो उल्टा तरफ कर लेंगे ताकि सिलाई पता ना चले। आप चाहें तो सुई धागा की मदद से भी जोड़ सकती हैं। यहाँ पर हम देखिए इस ढंग से क्रोशिए की मदद से ही इसे सिल रहे हैं। मिलाते हुए दोनों को इस ढंग से हम सिल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ इसे हम एक नोट ले लेंगे। देखिए इस तरह से चेन बना लिए। अब कट कर लेंगे, ऊन को अंदर की ओर तरफ ले जाएंगे हम। इस तरह से हमारा ये टोपी बनकर कंप्लीट होगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। जब इसे आप कान्हा जी को पहनाएंगी तो दोनों कलर दिखे इस तरह से आगे में रखेंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए इस ढंग से अगर आप आगे तरफ में रखेंगी तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इस तरह से टोपी बनकर कंप्लीट होता है। अगर आप एक साइड से भी पहनाना चाहती हैं तो एक साइड से भी पहना सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।